नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुरी तरह से फंसे हुए राज्यसभा सांसद संजय सिंह अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए संजय सिंह ने दावा किया है कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। बता दें कि 10 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में भी उनकी पेशी है क्योंकि जो रिमांड का समय है वो 10 नवंबर को खत्म हो जाएगा। ऐसे में संजय सिंह का सुप्रीम कोर्ट जाना कितना सही है, क्या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बीते 30 अक्टूबर को पहले ही झटका लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि अगर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते हैं तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन अगर संजय सिंह की बात की जाए तो संजय सिंह बार बार कह रहे हैं कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ मणिपुर हिंसा को लेकर सवाल पूछ रहे थे, इसीलिए उनकी आवाज को दबाने के लिए बीजेपी की यह साजिश है। ईडी का दुरुपयोग करते हुए उन्हें जेल में डालने का काम किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय सिंह। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल पर भी गाज गिरने की काफी ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि ईडी उन्हें भी नोटिस भेज चुकी है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर और शराब घोटाले में ईडी की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सुनिए जरा। संजय जी को कोर्ट में पेश किया गया है, ईडी ने 10 दिन की रिमांड हालांकि लिखित तौर पर मांगी थी, कहा कि 7 दिन भी मिल जाएगा तो काफी है। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही ख़राब होता है, सबका टाइम ख़राब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम ख़राब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। सर, एक मनीष सिसोदिया के मामले में कड़ी टिप्पणी ईडी को लेकर और केंद्र सरकार को लेकर, उससे साफ सुप्रीम कोर्ट से पूछे हैं सर, उसी से लगता है, मतलब जिस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट आज पूछ रहा था, क्योंकि मामला सब जुडिस है, मेरे को कोई टिप्पणी उस पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के सवाल कर रहा था उससे तो मतलब एक तरह से एक फीलिंग आ रही थी कि गलती केस बना रखा है इन लोगों ने हमारे ऊपर। देखा आपने और सुना भी, अब सवाल बार बार यही उठ रहा है कि क्या संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट में राहत मिलेगी, क्योंकि पहले ही उनकी जमानत याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट खारिज कर चुका है और हाई कोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देने के लिए अब संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट अभी कोई तारीख यहाँ पर नहीं दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन संजय सिंह और उनका परिवार बार बार दावा कर रहा है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जीत मिलेगी, लेकिन देखना होगा कि क्या ईडी एक बार फिर से संजय सिंह की याचिका को खारिज करने की जो यहां पर है मांग करती हुई नजर आएगी। तारीख नहीं दी गई है, वहीं 10 नवंबर को क्या संजय सिंह को बड़ी राहत राउज एवेन्यू कोर्ट में मिलेगी या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए इस खास खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।